हे गाइस, दिस इज कीर्ति। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपके लिए वही अमेजिंग स्टोरी जिसका टाइटल है युद्ध। वह युवती भागने लगी। सूरज ने भी निश्चय कर लिया था और वो उसके पीछे था। सूरज बोलता है, ये अंजलि तो नहीं हो सकती, वो तो मिल गई थी ना, तो ये कौन है? जो भी हो, अगर मेरे दोस्तों को पागल करने के पीछे ये है तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और वो उसका पीछा करने लगता है। कहाँ गई वो, यहीं तो थी। इतना कहते हुए सूरज आगे बढ़ता है। सूरज उस युवती के पीछे भागते भागते असाइलम के ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच गया था, पर अचानक वो रहस्यमय युवती गायब हो गई थी। उसे ढूंढते ढूंढते सूरज असाइलम के कंपाउंड एरिया में पहुंच चुका था। वहां कुछ दूर थी वैन और उसके पास एक काला साया। सूरज उस वैन की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। सूरज सोच रहा था, वो कौन है वहाँ, और ये तो वही वैन है जिसमें हम लोग आए थे। सूरज ने देखा कि वो वैन स्टार्ट हो गई थी और वो काला साया वैन के अंदर चला गया। चाहे कुछ भी हो, आज मैं ससाइलम का राज जान कर रहूंगा, इतना सूरज सोचता है। तभी शुभम पूछता है, अरे ये सूरज कहाँ गया? जिस पर गौरव कहता है, पता नहीं, अभी तो वो यहीं पर था। तभी कोयल कहती है, आ जाएगा वो जहाँ भी है, हमें अपने कमरे में चलना चाहिए। और इस तरह तीनों दोस्त अपने कमरे की तरफ चल दिए। सूरज कहाँ था इस बात से अनजान। और वहीं दूसरी तरफ सूरज, कौन हो तुम? वैन तुम्हें कहाँ से मिली, बताओ मुझे। यहाँ सूरज असाइलम का राज जानने का निश्चय कर उस वैन में बैठ गया था और वो कहता है, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? और तभी सूरज ने कुछ ऐसा देखा जिस पर उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वो काला साया अपना रूप बदलकर सूरज के अंकल के रूप में आ गया। सूरज कहता है, ये क्या हो रहा है अंकल, आप? और वो काला साया कहता है, सूरज, ये असाइलम में आकर तुमने ठीक नहीं किया, अब भुगतो। और वो जोर जोर से हंसता है। और तभी तेज रफ्तार से चल रही वैन में अचानक से एक झटका महसूस किया। वैन अब हवा में उड़ रही थी और सूरज उसके अंदर था, वो भयानक चीज के साथ। सूरज डरता हुआ पूछता है, कौन हो तुम? तुम मेरे अंकल तो नहीं हो, क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? जिस पर वो युवती का रूप लेकर कहती है, बदला। सूरज पूछता है, बदला? कैसा बदला? वैन की ड्राइविंग सीट पर अब कोई और था और वो वही रहस्यमय युवती थी जो कि जोर जोर से अजीब सी आवाज में हंस रही थी। सूरज डर रहा था और वो पूछता है, हाँ कैसा बदला, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों पड़ी हो मेरे दोस्तों के पीछे? मैं नहीं डरूंगा तुमसे। सूरज डरा हुआ था पर उसने अपने दोस्तों को बचाने का निश्चय भी किया था। वो अपने डर को काबू में कर उस भयानक युवती से सवाल पूछने लगा। उधर उनकी गाड़ी अभी भी तेज रफ्तार में हवा में उड़ रही थी और वही भयानक युवती हंसती है और कहती है, बड़े हिम्मत वाले हो तुम, तो सुनो, मेरी चीज जो तुम्हारे पास थी इतने सालों से मैं तड़पती रही जिसके बिना, उसका बदला चाहिए मुझे। जिस पर सूरज पूछता है, कौन सी चीज है आपकी? और वो युवती भयानक सी आवाज में हंसती है और कहती है, अभी दिखाती हूँ मैं तुम्हें। और तभी अचानक से वह वैन तेज रफ्तार से नीचे क्रैश होने लगी और वो युवती हंस रही थी। तभी सूरज जल्दी से मौका देखकर वैन से बाहर कूद गया। सूरज बच गया था, अगर वो एंड मौके पर बाहर ना निकलता तो वो भी वैन के साथ जल जाता। जिस पर सूरज कहता है कि मुझे सारे दोस्तों को आगाह करना होगा, वो जल्द ही सबके पीछे फिर से आएगी। और वहां सानिया, जय और शुभम अपने कमरे तक पहुंच चुके थे कि पीछे से एक वार्ड बॉय उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया और वार्ड बॉय उन सभी से कहता है, सुनिए। जिस पर शुभम पूछता है, क्या हुआ सर, अंजलि जी तो मिल गई थी ना, फिर आप इतने डरे हुए क्यों हो, कहीं गौरव को कुछ हो तो नहीं गया? जिस पर जय पूछता है कि क्या? वार्ड बॉय बोलते हैं, गौरव नहीं विशाखा, वो असाइलम से भाग गई है। तभी वहाँ कोयल भी आ पहुंची जो विशाखा के साथ होनी चाहिए थी। उसे देखकर पहले तो सारे दोस्त आश्चर्य में पड़ गए, फिर थोड़े शांत होने पर कोयल ने उन्हें सब कुछ बताना शुरू किया कि मैं अब तक विशाखा के साथ ही थी, लेकिन कुछ देर पहले वह दर्द से कराह रही थी, नर्स भी वहाँ पर नहीं थी। वह मुझसे विनती करने लगी कि मैं उसे छोड़ दूं,
वह रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। मुझसे ज्यादा देर तक ये सब देखा न गया और मैंने उसके हाथ खोल दिए, और जैसे ही मैंने उसके हाथ खोले वह वहां से भाग गई, और तभी से हम उसे ढूंढ रहे हैं पर वो कहीं भी मिल नहीं रही है। और फिर तुरंत सारे दोस्त मिलकर विशाखा को खोजने लगे। सानिया, शुभम और जय उसे फर्स्ट फ्लोर में ढूंढ रहे थे, जबकि कोयल और वह वार्ड बॉय उसे ग्राउंड फ्लोर पर खोज रहे थे। कोयल विशाखा को ढूंढ रही थी और पीछे से भागता हुआ आया सूरज और कहता है, कोयल मुझे तुम्हें कुछ बताना है, बाकी के लोग कहाँ पर हैं? जिस पर कोयल कहती है, जो भी चीज हो बाद में बताना सूरज, अभी हमारी मदद करो विशाखा को ढूंढने में। सूरज कहता है, क्या कहाँ गई विशाखा, उसे तो बांधा हुआ था ना। कोयल ने सारी कहानी सूरज को बताई। फिर वे दोनों मिलकर विशाखा को ढूंढने लगे। सूरज कहता है, विशाखा को जल्द ही ढूंढना पड़ेगा, उसके पेरेंट्स को जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं। फिर सूरज असाइलम की लॉबी के बाहर विशाखा को ढूंढने लगा और तभी उसे सुनाई दी एक आवाज। वह उस आवाज की तरफ आगे बढ़ा और उसने जो देखा वह देखकर उसका दिल दहल गया। वह विशाखा थी, भयानक सी दिख रही थी। वो सूरज का माउथ ऑर्गन बजा रही थी और तभी सूरज का माथा ठनका। वो अजीब से तरीके से माउथ ऑर्गन बजा रही थी और सूरज कहता है कि कहीं वो वैन में जो थी वो भयानक युवती इस माउथ ऑर्गन के बारे में तो नहीं बोल रही थी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? उसी वक्त असाइलम में कोई आ रहा था। क्या सूरज अपने दोस्तों को पागल होने से बचा पाएगा? कहानी जारी है। सो गाइस, का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, साथ ही अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।